दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल आरके इंडिया में। दोस्तों यहाँ पे आज इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाले हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप किसी भी ट्रेडिंग करते हो, चाहे इंडियन मार्केट में करते हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पे आज जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ ना, ये स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हो तो मार्केट में कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, आप सोचते होंगे कि कहाँ पे यहाँ पे निकलना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, एग्जिट यहाँ पे एंट्री पॉइंट और यहाँ पे एग्जिट पॉइंट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ एग्जैक्ट। ठीक है, और वो यहाँ पे आप सभी खुद देख पाओगे। सर वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। और जो हेकनासी कैंडल के बारे में जो है ना, आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि दोस्तों हेकनासी कैंडल कैसे यहाँ पे काम करता है और आप इसको कैसे यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकती हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, आप इस प्रकार की कैंडल को देखते हैं तो काफी अच्छा है, इसको भी आप देखिए, एनालिसिस कीजिए। और एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आएगा हेकनासी कैंडल में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ हेकनासी कैंडल के बारे में, तो वो आपको कैसे लगाना है और उसमें ट्रेड कैसे लेना है वो तरीका मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपको ट्रेंड पे ही बने रहना है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी टाइम यहाँ पे एंट्री ले सकते हो हेकनासी कैंडल को देख के, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, ट्रेडिंग करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप ओपन करोगे ना, सबसे ऊपर में जो टाइमिंग रहता है ना, तो टाइमिंग के बगल में यहाँ पे कैंडल रहता है। ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो बहुत सारे यहाँ पे कैंडल दिखेगा। इस पे लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लाइन आपका दिख गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका लाइन हो गया है, लेकिन यहाँ पे फिर से क्लिक करोगे तो और भी यहाँ पे बहुत सारा कैंडल, लेकिन देखिए नीचे में जो ये हेकनासी कैंडल है ना, इस पे हमको क्लिक करना है सर। और इस प्रकार का जो हेकनासी कैंडल है, इसको हमको देखना है और इसमें हमको ट्रेड कैसे करना है समझिए। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट करने वाले हो सर आप सभी। ठीक है, यहाँ पे बस इसको समझना है कैसे। यहाँ पे देखिए, पहले सर यहाँ पे बाइंग साइड के बारे में समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाइंग साइड के बारे में पहले समझेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों, ग्रीन कैंडल में क्या है ना, हेकनासी कैंडल में क्या होता है, 10-12 कैंडल मिलकर जो एवरेज रहता है ना, वो ट्रेंड आपको बताता है कि मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। बाइंग का ट्रेंड है कि यहाँ पे सेलिंग का ट्रेंड है, बाय करना है कि सेल करना है, वो आपको ट्रेंड यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे आपको बाइंग का ट्रेड लेना है, समझने की कोशिश कीजिए हेकनासी कैंडल के थ्रू। लगाना कैसे है, आप सभी यहाँ पे कैंडल पे क्लिक कीजिएगा, जो टाइम फ्रेम के बगल में है उस पर, यहाँ पे नीचे में होगा हेकनासी कैंडल, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका लग जाएगा। और ये देखिए आपको डराएगा नहीं मार्केट में सर। ठीक है, ये आपको मार्केट में डराएगा नहीं, कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड दिखाएगा। इसमें आपको ट्रेड कहाँ पे करना है ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जब भी मार्केट जो है ना, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाएगा नीचे में, मैं यहाँ पे आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, बस आपको समझना है सर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सर यहाँ पे सपोर्ट है समझिए कि। ठीक है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे क्या है ना कि एक कैंडल बनेगा सर। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, एक यहाँ पे कैंडल बनाएगा सर, इस प्रकार से यहाँ पे कैंडल बनाएगा। और इसका जो कलर होगा सर, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, बाय में जाएगा, तो इसका कलर जो होगा ना, वो होगा यहाँ पे ग्रीन कैंडल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहला यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद, ठीक है दोस्तों, पहला यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमको देखना है दूसरा कैंडल। ठीक है, दूसरा कैंडल यहाँ पे अगर यदि ग्रीन कैंडल बन जाता है, ठीक है, हेकनासी में सर दूसरा कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाता है, और इसमें सर देखिए कहीं से भी ओपन हो सकता है, बीच से या फिर ऊपर से या फिर नीचे से, क्योंकि ये एवरेज कैंडल बताता है, तो ये कहीं से भी यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा। देखिए यहाँ पे सर दूसरा कैंडल ओपन हुआ, तो सर जैसे ही यहाँ पे दूसरा कैंडल ओपन हुआ ना, यहाँ पे देखिए क्लोज हुआ ना, तो क्लोज होने के बाद नीचे में शेडो नहीं बनाएगा सर। हेकनासी कैंडल में जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाएगा ना, तो नीचे में कैंडल नहीं बनाएगा। ठीक है, ये चीजें, सॉरी, नीचे में शेडो नहीं बनाएगा, ये शेडो ऊपर बनाएगा। तो हमको नीचे में शेडो देखना है सर कि नीचे में शेडो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए नीचे में शेडो नहीं बना है दूसरा कैंडल में, तो सर तीसरा कैंडल जहां से स्टार्ट होगा ना, वहां पे हमको बाय का ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे आप सभी एक चीज यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो तीसरा कैंडल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपको बाइंग का ट्रेड बनाना है सर। और एसएल कहाँ रखना है, जो यहाँ पे पहली वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके नीचे में रखना है, एकदम छोटा सा आपको सर यहाँ पे एसएल रहेगा, प्रॉफिट आपको बड़ा बड़ा मिलेगा। अब देखिए सर यहाँ पे कहीं पर भी देखिए मार्केट जब ये ऊपर गया, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट ऊपर ही गया, ऊपर ही गया। ठीक है, और देखिए नीचे में शेडो कहाँ बनाया,
नीचे में सर शेडो जहां बनाएगा ना, तो वहां पे समझना है कि अब ये यहाँ पे ट्रेंड को चेंज कर सकता है। फिर भी आपको यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे ट्रेड में बने रहना है ताकि लंबा प्रॉफिट हो, क्योंकि जब तक यहाँ पे रेड कलर ना बन जाए, ठीक है दोस्तों, रेड कलर यहाँ पे जब तक ना बन जाए तब तक यहाँ पे क्या है कि आपको बाइंग पे बैठे रहना है। ट्रेड कैसे लेना है, पहला यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा सर, और इस ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो यहाँ पे दूसरा कैंडल बनेगा ना, तो बिना शेडो वाली होनी चाहिए, नीचे में शेडो नहीं होना चाहिए सर, ठीक है, नीचे में शेडो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब तीसरा कैंडल बनेगा ना, तब हमको क्या करना है, ट्रेड लेना है बाइंग का और ऊपर बैठना है सर। देखिए कितना मार्केट यहाँ से ऊपर गया है सर कंटिन्यूसली, यहाँ पे फिर देखिए रेड कैंडल बना, आप यहाँ से निकल जाइए, ठीक है, ये चीज है ठीक सर। यहाँ पे उसी प्रकार से सेलिंग पे भी आपको देखना है, ठीक है, बहुत मिलेगा सर, आप देखिए प्रैक्टिस कीजिए, बहुत यहाँ पे सिग्नल भी मिलेगा, ट्रेड भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इससे पहले अगर दिया आप फ्री में यहाँ पे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना, तो आप मेरे यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, डेली मैं यहाँ पे आप सभी को मीटिंग करता हूँ रात को 8 बजे और फ्री में ट्रेडिंग सिखाता हूँ सर, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग के अलावा और भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं सर, तो उसका भी यहाँ पे मेरे पास है, अलग अलग एप्लीकेशन है, आप वहां पे जाके मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। और सर ट्रेडिंग में मेरे पास एक ऐसे यहाँ पे ट्रेडर है जो वो पेड यहाँ पे देते हैं सर, उसका सिग्नल यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त रहता है, आप चाहो तो पेड सिग्नल, सिर्फ आपको सिग्नल भी चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको पेड सिग्नल भी यहाँ पे दूंगा, ठीक है, मैं नहीं दूंगा सर, ठीक है, हमारे साथ जो यहाँ पे ट्रेडर है वो काम कर रहे हैं, वो पेड सिग्नल दे रहे हैं, तो वो अच्छा ट्रेड दे रहे हैं, वहां पे सिग्नल दे रहे हैं, तो आप उनके साथ भी ज्वाइन करके काम कर सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें जानकारी दे दूंगा कैसे क्या करना है। ट्रेडिंग भी सीखना है सर, ठीक है, ट्रेडिंग सीखते हुए भी यहाँ पे सिग्नल के थ्रू यहाँ पे पैसे कमाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे और भी अलग जगह से यहाँ पे अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, और भी यहाँ पे 2-3 एप्लीकेशन है, वहां से पैसे कमाना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सेलिंग पे आपको कैसे यहाँ पे ट्रेड लेना है, देखिए यहाँ पे सेलिंग पे ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है सर, पहला जो यहाँ पे कैंडल होनी चाहिए रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद सेम वैसा जैसे बाइंग पे था, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो कैंडल बनेगा सर ऊपर में शेडो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर आपको मैं बता दूं कि जब भी मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आएगा ना, तो ऊपर में शेडो नहीं बनाएगा, नीचे में शेडो बनाएगा, ठीक है, जब भी यहाँ पे ऊपर में शेडो बनाना स्टार्ट कर गया, छोटा छोटा कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, समझिए वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे दूसरा कैंडल बनाया, यहाँ पे शेडो नहीं बनाया, तो तीसरा कैंडल जहां से बना सर, यहाँ से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। देखिए यहाँ पे सर अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं सेलिंग का, तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिला, यहाँ पर भी अगर आप निकलते हैं ना, फिर भी आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा, ठीक है, इतना दूर में, और यहाँ तक सर और भी जबरदस्त ट्रेड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको सर सेलिंग पे और बाइंग पे भी देखना है। करेंट मार्केट में सर देखिए यहाँ पे क्या है, करेंट मार्केट में देखिए सर यहाँ पे क्या है, पहला कैंडल यहाँ पे रेड बना है सर, ठीक है, और सर देखिएगा जब भी डोजी कैंडल बनेगा ना हेकनासी कैंडल में, तो वहां से मार्केट रिवर्स होने का ज्यादा चांस रहता है, ठीक है, ये चीजें हैं। यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे कैंडल बना, दूसरा कैंडल यहाँ पे बिना शेडो वाला बना सर, तो यहाँ पे तीसरा कैंडल पे आप यहाँ पे बाय कर सकते थे, ठीक है, बाय कर सकते थे, और देखिए यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर प्रॉफिट भी दिया सर, यहाँ तक मार्केट आया, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग पे क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरा कैंडल में शेडो नहीं बना सर, ठीक है, तो तीसरा कैंडल में यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेल का ट्रेड ले सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और भी सर यहाँ पे बैक टेस्टिंग करोगे ना, इधर 15 मिनट में जाओगे तो और भी जबरदस्त यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, ठीक है, ये चीजें हैं। यहाँ पे सर आप देखोगे तो ट्रेड यहाँ पे काफी जबरदस्त मिलेगा सर आपको, ठीक है, ये चीजें। तो आप इनको सर डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए सर कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिला है, पहला कैंडल यहाँ पे बना सेलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, दूसरा कैंडल यहाँ पे सर देखिए शेडो नहीं बना सर, तो तीसरा कैंडल जहां से ओपन हुआ यहाँ से आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए सेल का, देखिए जब तक यहाँ पे ग्रीन कलर ना बन जाए तब तक यहाँ पे आपको बाहर नहीं निकलना है, ये आपको डराएगा नहीं सर मार्केट, डर लगने नहीं देगा, बिल्कुल आप अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। ये सर हेकनासी कैंडल मैं बताया हूँ, जबरदस्त यहाँ पे इंडिकेटर है सर, ये काम करता है, ठीक है, ये कैंडल है, बेसिकली एक कैंडल है सर, जैसे अपना कैंडल है ना वो हेकनासी कैंडल है, इसको आप यूज कीजिए। देखिए यहाँ पे बाइंग पे सर क्या दिया है, यहाँ पे कितना जबरदस्त यहाँ पे बाइंग दिया है, तो बाइंग और सेलिंग सर दोनों में ये यहाँ पे प्रॉफिट देगा। तो उम्मीद करूंगा सर कि यहाँ पे आपको जो है ना समझ में आया होगा सर, जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आप इस कैंडल पे काम कीजिए, और यहाँ पे अगर किसी प्रकार कोई समस्या है सर, प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर दी आपको एक लीगल बढ़िया ब्रोकर चाहिए, फॉरेक्स ब्रोकर, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए सर, ठीक है, ऐसे मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सर
आइए हमारे टेलीग्राम पे, फ्री मैं यहाँ पे ट्रेडिंग सिखाता हूँ डेली रात को 8 बजे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा हैक नासिक कैंडल के बारे में। सिंपल है सर, यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ पे हमको बाय करना होगा ना, तो नीचे में हमको देखना है एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल और दूसरा कैंडल को देखना है यहाँ पे कि उसके नीचे शेडो नहीं बनना रहना चाहिए, और ऊपर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा तो तीसरे कैंडल में हमको ट्रेड लेना है बाइंग का। ठीक है, ठीक उसमें करते सेलिंग में सर, पहला जो रेड कैंडल बनेगा उसके बाद जो रेड कैंडल बनेगा यानी कि दूसरा जो रेड कैंडल बनेगा उसमें यहाँ पे ऊपर की ओर शेडो नहीं होनी चाहिए, उसके बाद तीसरा कैंडल में हमको ट्रेड लेना है सेलिंग का। ठीक है, उसके बाद सर जब तक यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक आपको वेट करना है, यानी कि जब बाय किए हैं तो ग्रीन 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 जब तक बन रहा है तब तक आप इंतजार कीजिए, जब रेड बन जाएगा आप वहां से निकल जाइए, अच्छा प्रॉफिट होगा सर, जबरदस्त प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप ट्रेड लीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर कैसा लगा ये स्ट्रेटजी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे समझ में आया होगा। ठीक है, और आप सभी को यहां पे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी टेलीग्राम पे आइए, सारी जानकारी आपको मैं वहां पे देने वाला हूं।